बात करेंगे रीवा की, जहां पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने के बाद लगातार विभिन्न खेलों की गतिविधियां संचालित हो रही हैं और इसी के चलते 10 नवंबर को पहली बार रीवा में 5 किलोमीटर, 15 किलोमीटर और 30 किलोमीटर की साइकिल रेस का आयोजन हो रहा है। इस रेस का शुभारंभ मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला हरी झंडी दिखाकर करेंगे। आयोजन में प्रदेश सहित देश के अलग अलग स्थानों के कई रिकॉर्ड होल्डर साइक्लिस्ट शामिल होंगे। ये जानकारी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित पत्रकार वार्ता में स्पोर्ट्स ऑफिसर एमके धोलपुरी और आयोजक ने दी है। ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बहुआयामी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारी गतिविधियां इसमें होती है जिसको हम यहाँ रेगुलरली एक्टिव करते हैं। शहर में जो भी बेस्ट अपॉर्चुनिटीज है, जैसे अभी नई रोड्स बनी हुई है, काफ़ी व्यूज अच्छे हैं, तो हमने साइकिल को उसमें एडवेंचर स्पोर्ट्स के नाम से जोड़कर कराने की कोशिश की है। और सहने सहने और भी कुछ ऐसे होंगे जो इस एरिना में नहीं हो रहे हैं लेकिन बाहर होते रहेंगे। तो साइकिलिस्ट जो साइक्लोथॉन ये लड़का खुद बहुत इंटरेस्टेड है और दिल्ली में ये काफ़ी साइकिलिंग की है, अवार्डेड भी है। तो जब जुड़ा तो हमने बोला कि चलो नया खेल एक रिवर में इंट्रोड्यूस करते हैं और एक नया चीज़ यहाँ चालू करने की कोशिश करते हैं।